बड़ा सौभाग्य है कि आज हम अपने कबीर भाई को, सिर्फ मैं ये नहीं कहूं कि यहाँ यूएसए के लोग बैठे हैं अनुभूति मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर कैलिफोर्निया में, लेकिन ये वो स्थान है जब से कोविड शुरू हुआ है 2 साल में, तो सारे विश्व से लोग यहाँ जुड़ते हैं बाबा का ज्ञान सुनने के लिए। और बहुतों ने घर बैठे बैठे ईश्वरीय जन्म क्या होता है, पालना क्या होती है, वो अनुभव किया है। तो आप लोग कई कई समय से हमें कह रहे थे कि कबीर भाई को ले आओ, कबीर भाई को ले आओ। तो आप दिल भर के आज सुनना, भाई जी आपको सुनाएंगे भी और साथ साथ मेडिटेशन भी कराएंगे, तो दोनों का आज अनुभव करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ओम शांति भाई। ये है सकाश देना, हमारी एनर्जी उनके पास गई और यह हुआ। दूसरा दूसरा जो हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, वो है परमात्मा पिता कहते हैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि। परमात्मा यानी बाबा कहते हैं कि तुम भाई बहन भी नहीं, तुम आत्माएं भाई भाई हो। क्योंकि बहन भाई की दृष्टि में भी 1% चांसेस हैं कि वो दूषित हो जाए, लेकिन भाई भाई की दृष्टि कभी गलत नहीं हो सकती। तो यहां पर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहां पर हमारी विशेष पवित्रता बहुत बढ़ेगी, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं इसे ऐसे अपने मन को समझाता हूं कि एक पिता है, उसके 7 बच्चे हैं, 7 बेटे हैं उसके पास, सातों आर्टिस्ट हैं यानी कलाकार हैं, एक्टर हैं। और वो क्या करते हैं, गांव गांव, चौपाल, नुक्कड़, हर जगह जाकर नौटंकी करते हैं। ये सीन बनाइएगा, बड़ा मजा आएगा। उनमें से एक भाई मेकअप करता है और माता बन जाता है, एक भाई मेकअप करता है बहन का रोल बजाता है, एक भाई पत्नी का रोल बजा रहा है, एक भाई टीचर बन गया, एक भाई डॉक्टर बन गया, एक भाई बिजनेसमैन बन गया। ये सब उनके रोल है। अब उनके क्या है, रोल फिक्स हो गए। वो जहां भी जाते हैं, जिस भी शहर में जाते हैं, जहां भी रोल बजाते हैं, वो वही वाला रोल बजाते हैं, और वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। ये करते करते उनके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग हो गई है, जो भाई माता का रोल अदा कर रहा है, वो अपने आप को माता ही समझने लगा है। उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज उसे बताती है कि ये माता है, ठीक है, यानी उसके सबकॉन्शियस में उतर गया है वो रोल, यानी वो रोल कॉन्शियस हो गया है। वास्तव में तो वो भाई भाई है, लेकिन रोल कॉन्शियस होने के कारण ये भूल गए हम भाई भाई हैं, और क्या बन गए हैं, वो माता समझ रहा है, वो बहन समझ रहा है अपने आप को, ये क्योंकि अवचेतन में गया गया रहा इसे। ठीक बिल्कुल इसी प्रकार हम आत्माएं, वो 7 भाई थे, हम 700 करोड़ है। परम धाम घर में, देखिएगा परम धाम को, परम धाम घर में अपने पिता के पास रहते हैं। वहां से हाँ नीचे आए, नीचे उतरते देखिए, नीचे आए, ये सृष्टि एक रंगमंच है, इस रंगमंच पे उतरे और आके अपना अपना कॉस्ट्यूम हमने धारण कर लिया। कोई भाई माता के रोल में, कोई बहन के रोल में, कोई टीचर के रोल में, और पूरे रोल कॉन्शियस हो जाने के कारण भूल गए कि हम भाई हैं। माताएं, आप भाई हो मेरे, ठीक है, मैं आपका भाई हूं। तो विशेष ध्यान दें कि मैं एक आत्मा हूं, आप भी एक आत्मा है, ये कॉस्ट्यूम तो हम है ही नहीं, हम तो ज्योति बिंदु मस्तक मणियां हैं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं। देखो कितनी प्योरिटी, कितने पवित्र हैं हम, ठीक है। इससे ना बहन की दृष्टि ना भाई की दृष्टि में कभी ये आ सकता है कि सामने भाई ऑपोजिट जेंडर कोई खड़ा है, नहीं, आत्मा भाई भाई, आत्मा भाई भाई। और ये अभ्यास चलते फिरते उठते बैठते कितने आसानी से कर सकते हैं,
सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। और इसमें पता है सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है। देखिए कैसे क्या होगा कि जब हम देखते हैं कि सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं तो हम कहते हैं स्वयं को, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, सभी निर्दोष हैं। जिस आत्मा को जो रोल मिला है वो वही रोल प्ले कर रहा है, सभी निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं। ये ड्रामा पूरी तरह से कल्याणकारी है। 3 घंटे की पिक्चर लाइए, आप देखिए। एक चीज हमारे भारतवर्ष में, जैसे यहाँ हिंदी सिनेमा हम पहले देखा करते थे मूवीज, तो उसमें एक कलाकार थे, अभी तो वो नहीं रहे, उनका नाम था अमरीश पुरी। वो विलेन बनते थे मूवीज में, विलेन, और बहुत मतलब तगड़े विलेन थे वो। उनको देख के, मूवीज में देखें तो उनसे नफरत हो जाती थी, हम तो बच्चे थे तब तो नफरत हो जाए, लेकिन बताया जाता है वास्तव में वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसे हम सब आत्माएं इस 5000 वर्ष की पिक्चर में रोल बजा रहे हैं। अब किसी को अगर विलन का रोल मिला है तो वो विलन सचमुच नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है जो आपको हर्ट कर जाए, वो ऐसा नहीं है, उसको ये रोल मिला है, वो तो बहुत प्योर है, बड़ा प्यारा है, मेरा भाई है। तो देखेंगे एक्सेप्टेंस पावर एकदम काम कर रही है। 1 सेकंड लगेगा उसे एक्सेप्ट करने में। बस इस ड्रामे को याद करें, बाबा हमें उदाहरण दे दे के समझाते हैं, हद का ड्रामा, बेहद का ड्रामा। हद के ड्रामे में ऐसे होता है बच्चे, बेहद के ड्रामे में ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेंस पावर बढ़ गई और आत्मा भाई भाई। तो यहाँ पर हम स्वयं रखेंगे कि मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मैं इस ड्रामे में एक कलाकार हूं, वो भी साधारण कलाकार नहीं, हीरो एक्टर, हीरोइन हूं। कैमरा ना पूरी मूवी में हीरो और हीरोइन के इर्द गिर्द ही घूमता है, पूरी कहानी उनके आसपास घूमती है। हीरो में कुछ अदा होती है जो बाकी कलाकारों से उसे अलग बनाती है, वैसे ही हमारी अदाएं हैं जो हमें 700 करोड़ आत्माओं से अलग करेंगी, यानी हमारे दिव्य को, हमारा चलना उठना बैठना बड़ा रॉयल होगा, बिल्कुल साधारण नहीं होगा। आत्मा आत्मा भाई भाई, बस इस अभ्यास में थोड़ी देर बैठ जाइए, चिंतन करिए, हम आत्माएं भाई भाई हैं। अपने आसपास जो भी बैठे हैं उन पे जरा दृष्टि डालिए, उनके कॉस्ट्यूम को नहीं देखना है, और देखें भी तो इस कॉन्शियसनेस में देखिए कि इनका कॉस्ट्यूम है, ये तो बड़ी प्यारी आत्मा है, मेरा भाई है, मेरा भाई है। और एक स्वमान चाहे तो आप और इसमें ऐड कर सकते हैं कि मैं सबका बड़ा भाई हूं। तो अगर ये स्वमान रखेंगे कि मैं बड़ा भाई हूं, तो फिर क्या होगा, सभी आत्माओं को आप ही देंगे देंगे, अब आप ही बड़े हैं ना, जिम्मेवार हैं। तो ये बड़ा प्यारा अभ्यास है, इसे आप जरूर करना बार बार, कि हम आत्माएं भाई भाई सभी अपने घर में हैं, अपने पिता के पास, उस गोल्डन रेड वर्ल्ड में जो लाल सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित है, और हम आत्माओं के पिता जो पवित्रता के सूर्य है, जिनकी असंख्य किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं, जिनकी किरणों की छटाएं चारों ओर बिखरी हुई हैं, जिनकी गोल्डन रश्मियां हर एक आत्मा भाई को स्पर्श कर रही हैं। अभी क्लास में हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं, सभी एक साथ अपने आप को देखें, हम परम धाम में हैं और बाबा के आसपास है, ये हम आत्माओं का घर है। वहां से हम नीचे आते हैं, कॉस्ट्यूम अपना धारण करते हैं,
जो रोल मिला है वो बजाना शुरू कर देते हैं।